हे वेलकम बैक गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज मैं आ चुका हूँ पटना में और यहाँ पे मिलता है पटना का सबसे फेमस चना भाजी और चना चाट भी बोलते हैं इसे। तो चलिए इसकी पूरी मेकिंग देखते हैं कैसे बनता है और भैया से बात करते हैं। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश नाम है। ये चना कितना देर उबालते हैं? ये 25 मिनट में बॉयल हो जाता है। 25 मिनट? हाँ, 25 मिनट में बॉयल हो जाता है, फिर बॉयल करके बंद कर देते हैं। ये 5 किस्म का भाजी है, सब मिक्स है। ये बॉयल चना लेते हैं, ये बॉयल चना है, इसमें लेते हैं, ये डालो, या नमक, काला नमक, जीरा, धनिया पाउडर, सब मसाला इसमें मिक्स है। 5 गो मसाला इसमें है, इसमें जीरा, दालचीनी, काला इसमें मिक्स है। और ये लेमू, आंवला, हरा मिर्च का चटनी है, इसको मिलाया जाता है ऐसे बढ़िया से। इसको टमाटर भी काट दिया जाता है। ये हो गया तो देख सकते हैं भैया अच्छे से सारे मसाले को मिक्स कर रहे हैं और एक गजब ही टेम्पटिंग दिख रहा है। तो अभी मुझसे रहा नहीं जा रहा है, तो बस अब रेडी ही होने वाला है। मीठा चटनी है, गाजर, बीट, चुकंदर का बनता है और गुड़ का बनता है। किसी क्या रहता है? ये 5 किस्म का मिक्सचर है, मकई चिप्स है, चूड़ा फ्राई है, झालमुड़ी है, जीरो नंबर सेव है, सादा फरी है। 10 रुपया में इतना कुछ कैसे दे रहे हैं आप? दे रहे हैं कि सेलिंग होना चाहिए, जितना सेलिंग हुआ उसी हिसाब से 1 रुपया बचेगा। इतना कम दाम में तो कहीं नहीं मिलता है, पूरा पटना खोज लिया, नहीं पूरा इंडिया में नहीं मिलता। तो हमारा चना चाट बन के रेडी हो चुका है, तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा चटपटा है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इसमें 5-6 तरह का सलाद मिला हुआ है जो कि बहुत ही अलग टेस्ट दे रहा है और चटनी का मीठा मीठा थोड़ा हल्का स्वाद आ रहा है। तो आप भी पटना में रहते हैं तो प्लीज़ आके ट्राई करें चना भाजी। अगर बाहर से आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आएँ ट्राई करने के लिए। मैं यहाँ का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। कब से बेच रहे हैं? ये हो गया मेरा 20-25 साल हो गया। अंकल जी रहते हैं, उनका भी 25 साल हो गया, उन्हीं का संगे संगे हम सीखे। तो यहाँ का एड्रेस क्या है? अशोक राजपथ 64 है, उर्दू एकेडमी के सामने, बस उसी का सामने ये दुकान है चना भाजी का। बगल में गरीबनाथ मंदिर है, बस उसी का सामने है चना भाजी का दुकान।